हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पेपर से बुकमार्क बनाना सीखेंगे। सो, इसके लिए हम स्क्वायर वाला पेपर लिए हैं और उनको कॉर्नर में पकड़ के फोल्ड कर देना है। देखिए, मैंने इस तरह इनको डबल फोल्ड कर दिया है। सो, अब इसका बाद क्या करेंगे, इसको एक फोल्ड जो किए थे उसको दोबारा खोल दीजिए और ये ऊपर वाला हिस्सा लेके नीचे की तरफ मोड़ देना है। इसकी तरफ मोड़ने का बाद जो साइड में एक और है उसको ऊपर की तरफ और अदर साइड वाला भी ऊपर की तरफ मोड़ देना है। सो, इस तरह हम इसको करने का बाद क्या करेंगे, यहाँ बीच में हमें पहले लाइनिंग जो दिख रही है उसकी ऊपर थोड़ा सा ऊपर के हिस्से में एक ऊपर वाला पकड़ के उसको फोल्ड कर देना है ताकि हमें माउस की कान बनानी है उसका शेप इसमें हमें मिल जाएगा। सो, देखिए इस तरह मैं भी दोनों साइड फोल्ड कर रही हूँ, आप भी इसको इस तरह ही फोल्ड कर देना है। सो, इसके बाद इसको अच्छे से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए ताकि लाइनिंग क्लियरली हमें पता चले। देखिए, मैंने अभी दोनों तरफ से मार्क कर लिया। अब जो पहले वाला है उसको अंदर की तरफ, ये पॉकेट जैसा तो दिख रही है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। इस तरह डाल के इसको अच्छे से फोल्ड कर दीजिए और दबा दीजिए थोड़ा सा, तो वो अच्छे से बैठ जाएगा। तो इसके बाद देखिए, थोड़ा सा ये साइड लग रही है, इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा खींच के सही कर दीजिए ताकि दोनों अच्छे से बन जाएगा। सो, इसके बाद हमें क्या करना है, अभी हम माउस बना रहे हैं तो हम इसका मुंह और कान बनानी है आंख बगैर। तो हमें ये कान तो हमारा रेडी हो गया है, अब कान के ऊपर हम मार्कर से निशान कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखने में अच्छा लगे। और देखिए, मैं दोनों कान को इस तरह बना रही हूँ और नीचे मुंह का भी, मैंने मुंह के लिए भी मार्क कर दिया है। सो, और इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन देती हूँ और इसका अंदर हमें एक और मार्कर से इस तरह लाइन खींच देना है। और इसके बाद हम आँख बनाएंगे ऊपर के हिस्से में और उसका जो मूछें होते हैं माउस की तीन, उसको इस तरह बना देना है। इसके बाद दोस्तों, हमें कोई भी क्रियॉन्स या स्केच किसी से सही हम इसके अंदर कलर कर देना है ताकि लुक थोड़ा अच्छा आए। तो मेरे पास क्रेयॉन्स था तो मैं क्रेयॉन्स यूज़ कर रही हूँ। आपके पास क्रेयॉन्स है तो क्रेयॉन्स यूज़ कीजिए, नहीं है तो स्केच या पेन किसी से भी आप अंदर कलर दे सकते हैं। देखिए, मैंने इस तरह मुंह को दिया और अभी दोनों कान को दे रही हूँ। इस तरह हम दोनों को कलर कर दीजिए। देखिए, अभी ये किस तरह बहुत अच्छे से सुंदर दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह एक और, देखिए पीछे की साइड भी इस तरह लग रही है, इसी की तरह हम एक और बनाएंगे। सो, उसके लिए भी मुझे एक कॉर्नर पेपर ही चाहिए। सो, मैंने उसको लिया और उसको भी जैसा ही हम पहले फोल्ड किए थे उसी तरह इसको भी फोल्ड करते जाना है। देखिए, मैं अभी पहले एक कॉर्नर पकड़ के दोनों साइड से फोल्ड किया, अब अगेन उसको ऊपर फिर से मैंने फोल्ड किया। अब क्या करेंगे, ऊपर की जो फोल्ड किया था उसको उठा के नीचे की इस तरफ से फिर फोल्ड कर देना है। सो, देखिए इस तरह फोल्ड आप भी कर दीजिए और इसको ऊपर के हिस्से की पहले जैसा हमने माउस बनाने के लिए किए थे उसी तरह इसको भी दोबारा कर देना है। सो, देखिए इस तरह हमने किया है, बट इसमें कान बगैर नहीं बनानी है। सो, हमें इसमें बनाने जा रहे हैं आइसक्रीम। सो, बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगता है आइसक्रीम हो, स्माइली हो। सो, दोस्तों बच्चों के लिए हम इस तरह बना के उनको बुक में रख दें या मार्क बना दें तो बच्चे पढ़ते भी बहुत अच्छे से हैं। मैं भी यही फार्मूला यूज़ करती हूँ ताकि मेरे भी बच्चे हैं तो वो भी सही से नहीं पढ़ते, तो मैं भी इसी तरह करती हूँ। देखिए, अभी ये इस तरह रेडी हो गया। अब मैं इसका ऊपर जो आइसक्रीम की शेप होती है मैं उसको मार्कर से बना रही हूँ। देखिए, इस तरह मैं अभी इनको बना दे रही हूँ, थोड़ा सा लुक अच्छा आएगा तो बच्चे भी क्या करेंगे, इसको देख के पढ़ने बैठ जाते हैं। सो, इसको ऊपर जैसा हमने मार्क किया उसका ऊपर काट देना है। अब मैंने इसको काट लिया और क्रियॉन से ऊपर की जो हिस्से है उसमें मैं कलर कर रही हूँ। आप भी इसको कलर कर दीजिए, आपको जो कलर पसंद हो आप उससे कर दीजिए। मैं ऊपर में येलो वाला कर दी हूँ, नीचे पिंक से कर रही हूँ। सो, देखिए इस तरह अच्छे से कलर कर दीजिए।
इसको कलर करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, फिर से इसका ऊपर लाइनिंग कर दूँगी। देखिए अब मेरे पास मार्कर है तो मैं मार्कर से कर रही हूँ, आपके पास है तो मार्कर से कर दीजिए, नहीं तो आप पेन भी यूज़ कर सकते हैं। सो देखिए इस तरह मैं इसका ऊपर लाइनिंग कर रही हूँ। जो आइसक्रीम की कॉर्नर होती है वो पकड़ने के लिए वो थोड़ा अलग होती है, तो इसलिए उसको लुक देने के लिए मैं इस तरह इसको कर रही हूँ। और इसको घुमा के अगेन मैं क्या कर रही हूँ, लाइनिंग कर रही हूँ ताकि बॉक्सेस बन जाए। देखिए कितना अच्छे से बॉक्सेस बन गए हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो येलो कलर हमने किए थे उसके ऊपर मुँह बना देते हैं, मुँह बना रही हूँ। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इस तरह आप बना सकते हैं। इसी तरह आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, बच्चे भी इसको बहुत खुशी खुशी बनाएंगे और अपना बुक्स में एडजस्ट कर लेंगे, डाल देंगे। सो दोस्तों देखिए ये इस तरह बन के रेडी हो गया। अब हम इसको बुक में किस तरह डाल देना है, देखिए मैं यहाँ पढ़ रही हूँ तो मैं छोड़ देती हूँ, तो इस तरह मैं इसको डाल के छोड़ दूँगी ताकि मुझे पता चलेगा मैं कहाँ तक पढ़ी हूँ। तो बच्चों को भी इसी तरह आप बना के दे सकते हैं और बच्चों के हाथ से भी बनवा सकते हैं। सो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इसी तरह की वीडियो के लिए बेल आइकन